बदील पे क्या मजीद मुश्किलात आएंगी, वो ब्लैकमेल होता रहेगा और यहाँ पर शगुफ्ता और सरफराज की शादी होगी और किस तरह से होगी आज की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। ऐसे में नसीब ड्रामे का प्रोमो प्लस आने वाले एपिसोड में आप लोग मजीद इंटरेस्टिंग क्या कुछ देखने वाले आज की वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले, पेश करने वाले। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाना, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे में नसीब ड्रामे के प्रोमो में आप लोग देखने वाले हो गए नजरें यहाँ पर सलीम की पार्टनर ने जो है वो काफी ज्यादा तंग करके रखा है दिल को और बार बार शायद जो वो कोले की जा रही होगी प्रोमो में आप लोग देखने वाले, जिसके बाद यहाँ पर तंग आकर जो है वो दिल कॉल उठा लेगा, जिसके बाद कहेगा बहुत ज्यादा गुस्से में इस लड़की को कि तुम आखिर चाहती क्या हो, जिसके बाद नजरीन वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश होकर कहेगी कि तुम्हारे कंटेनर तक की रसाई। दिल ये सुन के बहुत ज्यादा शौक हैरानों परेशान हो जाएगा और कहेगा कंटेनर तक की रसाई क्या तुम्हारा मतलब है। इसके बाद नजरीन लड़की और ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि जो तुम समझ रहे हो वही। इसके बाद नजरीन दिल यहाँ पर इसे कहेगा कि हाँ पर इन कंटेनर से तुम्हारा क्या वास्ता है, जिसकी वजह से ये लड़की इसे कहेगी कि यहाँ पर मैं तो यही चाहती हूँ कि इन कंटेनर का यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे आदमी को दे दिया जाए, जिसकी वजह से नजरीन यहाँ पर आदि जो है इतनी ज्यादा आसानी से तो इसकी जो है वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। लेकिन नजरीन ये लड़की भी उस्ताद है यहाँ पर, ये सलीम की चेली है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसे जो परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी और इसे ये कंटेनर वगैरह जो वो लेके ही छोड़ेगी। और नजरीन यहाँ पर अदील भी सर पकड़ लेगा कि यहाँ पर मैंने जो है वो किस से यहाँ पर माथा लगा लिया है, और नजरीन यहाँ पर उसे एक बदनामी का भी इतना ज्यादा डर है जिसकी वजह से यहाँ पर इसे जो सब कुछ करना पड़ेगा, इस लड़की को ब्लैकमेलिंग में आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये बात जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकेगा, अपने बाप से या और किसी से, अनिला से। यहाँ पर अनिला को भी बहुत ज्यादा आने वाले एपिसोड में परेशानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गुस्से में घर जाया करेगा और यहाँ पर लड़ाई झगड़े किया करेगा। और यहाँ पर सलीम जो है नजरीन वो तो खुश होता ही रहेगा कि यहाँ पर मेरे जो है वो सारे के सारे काम जो है वो हो रहे हैं, पैसा भी मेरे है, अनिला की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा हूँ वो भी साथ साथ हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर मौजों वाली जिंदगी उसकी हुई पड़ी है। ये मेरे थोड़ी सी प्रेडिक्शन भी थी प्रोमो के अलावा, और इसके साथ साथ आप लोग जो मजीद प्रोमो में देखने वाले वो ये भी कि नजरीन अब इजहार यहाँ पर आसिफ के हाथ लग चुका है, इसे आसिफ जो है इजहार को घेर के लिए आया है इस लड़की के पास, और जिसके बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएगा यहाँ पर इस लड़की के साथ के ये है इजहार साहब, इंतहाई जहीन आदमी है, जिसके बाहर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होगा कि मेरी तारीफ हो रही है। और नजरीन जिसके बाद ये लड़की भी इसे कहेगी कि हमें भी जहीन लोगों की जरूरत है, जिसके बाद नजरीन यहाँ पर काफी ज्यादा जो है परेशान सा होगा और यहाँ पर समझ नहीं आ रही होगी जहार को और कहेगा कि यहाँ पर लेकर आप लोगों को कैसे पता चला मैं जहीन हूँ, जिसके बाद नजरीन यहाँ पर वो लड़की आगे से जब वो काफी ज्यादा खुश होगी, आसिफ भी खुश होगा, जिसके बाद ये लड़की जहार को कह के ये शौक कर देगी बताकर कि यहाँ पर जो आदमी अपने शोरूम में खुद ही चोरी करवा सकता है, लड़की हा हा करके जो है वो मुस्कुराती है। और जिसके बाद नजरीन जहार को कहती है चोरी के बाद वो जहीन नहीं हो सकता, जिसके बाद नजरीन यहाँ पर इजहार काफी ज्यादा शौक हो जाता है और आप कैसी बातें कर रही है, चोरी कैसी चोरी, जिसके यकीनन यहाँ पर ये लोग जो मुस्कुराएंगे और यहाँ पर इसे जो कोई ना कोई सबूत पेश करेंगे या कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर इसके सामने लेकर आएंगे, जिसकी वजह से नजरीन ये शॉक्ड हो जाएगा और ये मानने पे मजबूर हो जाएगा। तो नजरीन वैसे प्रोमो तो खत्म हो चुका है, तो इसके आगे जो आप लोग मजीद इंटरेस्टिंग जो प्रेडिक्शन मेरी देखने वाले हैं, मुझे जहां तक लगता है वो ये कि नजरीन यहाँ पर अब ये काम करना शुरू कर देगा इनके साथ, हार को काफी ज्यादा खुला पैसा मिलेगा और नजरीन यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी, आमना को भी ये पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है और यहाँ पर ये इतना ज्यादा इसे बताएगा भी नहीं मैं गलत कामों से कमा रहा हूँ। और नजरीन यहाँ पर आमना अपने बाप की वजह से भी काफी ज्यादा जो है वो इमोशनल रहेगी, जो कि लोगों को भी काफी ज्यादा इमोशनल करेगी। और दूसरी जन्म आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नजरीन अदील को तो यहाँ पर इतमाद में ले लिया है सरफराज ने कि यहाँ पर मैं शगुफ्ता से शादी करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से नजरीन यहाँ पर अब ये लोग जो है वो आपस में मीटिंग करेंगे कि कब यहाँ पर हमें शादी करनी चाहिए। और नजरीन जब अनिला को ये सब कुछ पता चलेगा तो नजरीन वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होने वाली है, वो इस चीज को जब वो रोकने की कोशिश करेगी, अदील को सब लोगों को कहने की कोशिश करेगी, लेकिन नजरीन यहाँ पर अब सरफराज बिल्कुल पीछे शहीद नहीं हटने वाला और यहाँ पर शगुफ्ता भी काफी ज्यादा खुश होती रहेगी। और इसके साथ साथ नजरीन तूबा को भी घर से निकाल दिया जाएगा और यहाँ पर मुझे जहाँ तक ये लगता है अनिला को शायद जो है तूबा बात करेगी कि यहाँ पर ये जो है वो आखिरी निशानी जो है वो बेचने जा रही है तुम्हारे अब्बू की, यहाँ पर ये शगुफ्ता वगैरह, जिसकी वजह से नजरीन यहाँ पर काफी ज्यादा अनिला परेशान हो जाएगी कि सारा बचपन मेरा वहां पर गुजरा है और यहाँ पर मैं जा भी नहीं फिर सकती, जिसकी वजह से शायद हो सकता है ये दिल के साथ बात करके जो है वो किसी न जो है एजेंट के थ्रू यहाँ पर ये घर जो है वो खुद ब खुद खरीद ले, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तूबा को वहीं पर रहने की इजाजत दे दे कि तुम ही वहां पर रहो, तुम ही इस जो है घर की मालकिन हो, मैं भी वहां पर जो आती जाती रहूंगी, जिसकी वजह से नजरीन यहां पर तूबा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और नजरीन उसे अपने शायद भाई के घर में भी ना जाना पड़े, ये मेरी प्रेडिक्शन आप लोगों को लगता है। वैसे यहां पर तूबा तो बहुत ज्यादा अच्छी है तो यहां पर उसके साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसे निकालना तो नहीं चाहिए। और दूसरी जनब आप लोग ये भी देखने वाले हो इंटरेस्टिंग, जो कि नजरीन अनिला यहाँ पर काफी ज्यादा जो परेशान होती रहेगी, एक तो शगुफ्ता की वजह से, क्योंकि नजरीन जैसे ही वो शादी करके इस घर में आएगी तो सबसे पहले यहाँ पर अनिला को निकालने की कोशिश करेगी, काफी
काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदमस्की करेगी, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर चीज़ें फैलाने की कोशिश करेगी कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, यहाँ पर इसकी ज़िंदगी जीरन कर देगी जिस तरह से यहाँ पर ये जब घर में थी, यहाँ पर दूर रह के भी यहाँ पर इसके साथ इसने बहुत ज़्यादा बुरा करने की कोशिश की। और नाज़रीन इसके साथ साथ इसे सलीम का जब पता चलेगा तो नाज़रीन यहाँ पर ये फिर से ये वाली बातें भी फैला देगी, और नाज़रीन यहाँ पर ये जो सलीम भी इतने ज़्यादा आसानी से नहीं चुपचाप बैठने वाला, तो नाज़रीन वो फिर से यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पर जो है वो अब इसमें जो है फूट डलवा ही देगा, ये बच्चा जो है वो मेरा है यहाँ पर, ये मेरी पहले बीवी थी या मेरा इसके साथ नाजायज़ ताल्लुक था, ये मेरे भाई की बीवी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अदील जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉक्ड हो जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूट डल सकती है। और यहाँ पर जब वो फिर से अनिला को घर से निकल कर यहाँ पर जो अगर वो घर खरीद लिया हो तो नाज़रीन यहाँ पर ये वहीं पर रह सकती है मुझे जहाँ तक लगता है। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये लड़की भी इतनी ज़्यादा आसानी से जो इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली अदील का, और नाज़रीन अदील को यहाँ पर कुछ ना कुछ इसे देख के इसका मुँह बंद करना पड़ेगा, जिसके बाद आखिर तक यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जब वो चलेगा इतनी ज़्यादा आसानी से ये जो वो नहीं पकड़े जाएंगे। तो मंशियात का यहाँ पर बिजनेस वगैरह जो है वो इजहार भी अब करेगा आसिफ के साथ मिलकर, सब कुछ जो है वो यहाँ पर कर रहा होगा, पीछे मास्टर माइंड तो सलीम ही है, तो नाज़रीन आखिर तक ये अब सब पकड़े जाएंगे। बाद ये हाथ पाँव भी जोड़ते रहेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर पुलिस इन लोगों को नहीं छोड़ेगी, और इस बार शायद जब वो सलीम का यहाँ पर ये नाटक जब दोबारा से शायद जब पागल वाला कंटिन्यू ना हो सके, अगर होगा भी तो शायद जब वो सच मुझे पागल हो गया यहाँ पर ये जो है वो इसके छक्के छूट जाएंगे, और यहाँ पर आसिफ भी जाए नाज़रीन कुछ ना कुछ इसके साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। यहाँ पर आसिफ को अगर पकड़ना होता तो ये लोग तभी पकड़वा देते, यहाँ पर इसे जब इसका भी काम भी एंड कर देते, और यहाँ पर यह मलाइका अपने आप को बहुत ज़्यादा चिलाक समझ रही है। जैसे अनिला और अदील के दरमियान यहाँ पर फूट डलेगी, यहाँ पर ये थोड़े से लैदा होंगे, तो यहाँ पर मैं मौके पर चौका मार के यहाँ पर इसके जो है वो पास लग जाऊँगी, यहाँ पर मैं इसके साथ शादी करने के लिए इसे मुतमिन कर लूँगी। तो नाज़रीन यहाँ पर ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, वैसे यहाँ पर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर आखिर में हम हैप्पी एंडिंग ही देखना चाहते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि फिर से यहाँ पर जब अनिला को लास्ट एपिसोड तक ये लोग जब प्रेगनेंट कर देंगे या नहीं कर देंगे, यानी प्रेगनेंट वाला मामला दिखाएंगे या नहीं, पहला वाला बच्चा तो यहाँ पर इन लोगों ने बिल्कुल ही दिखाना जो है छोड़ दिया है, यहाँ पर वो पता नहीं कहाँ पर रहता है उसका, तो ना यहाँ पर एक सीन भी है, कुछ भी नहीं है, उस चीज़ को तो इग्नोर ही इन लोगों ने मार दिया, वो चीज़ भी दिखानी चाहिए थी। और यहाँ पर इसके साथ साथ नाज़रीन खेलते हुए सब लोग, और यहाँ पर शौकत जो है नाज़रीन वो भी यहाँ पर जो है वो उसकी शादी भी से नौकरानी के साथ एंड तक हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, और इजहार की पोले भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर इसी ने गाड़ियाँ चोरी करवाई थी, अपने कर्जे उतारे थे, और भी बहुत ज़्यादा इसने जैसी वाला मामला, इसने अपने बैंक वगैरह भरे हुए हैं, इस तरह से जो है वो सारे के सारे मामले जो है स्टेप बाई स्टेप आहिस्ता आहिस्ता होंगे, और यहाँ पर ये भी जेल में चला जाएगा। और नाज़रीन शगुफ्ता के साथ भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसका भी अंजाम शुरू होने वाला है। यहाँ पर नाज़रीन का शादी से पहले सब कुछ पता चल जाना चाहिए सरफराज को, या शादी के बाद पता चलना चाहिए, माथा फोड़ना चाहिए उसे, लाजमी से बताते जाना। ये टोटली हमारी प्रेडिक्शन है प्रोमो के अलावा, आप लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए, यानी एग्री डिसएग्री क्या करते हैं, लाजमी से बता जाना होगा। बस आज करूँ सिर्फ नहीं, अल्लाह हाफिज़।